हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्टॉक मनी मेकर्स। आप सबका स्वागत है स्टॉक मनी मेकर्स में। मैं आप सबको आज निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा ताकि जिसके थ्रू आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करके रेगुलरली कंसिस्टेंटली 5 to 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं निफ्टी ऑप्शन से। ओके, ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करना बहुत मुश्किल है। आप ये सेटअप को अप्लाई करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऑफ वो भी 5 to 10,000 रुपीज़। ओके, ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं स्ट्रेटेजी से शुरुआत करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, ताकि आप अपडेटेड रहे जो भी नए वीडियोस मैं आपको अपलोड करके दिखाना चाहता हूँ। ओके, और आप वापस अगर आप चैनल पे जाओगे तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी रेट भी मैंने दी हुई है। और हर वीडियो एक नई स्ट्रेटजी, एक नए इंडिकेटर से बनी हुई है। ओके, हर स्ट्रेटजी, हर वीडियो अलग है अपने आप में, और एक्यूरेसी रेट भी अलग है सबकी। आप ये सारी स्ट्रेटजीज देखें और उसे रेट करें, उसे अप्लाई करें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। आप देखें कि आप कौन सी स्ट्रेटजी के साथ कंफर्टेबल है, और उस स्ट्रेटजी को फिर आप उसमें मास्टर बनिए, उसे प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए, और फिर आप वो स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है तो आपको प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, ताकि आप उसमें मास्टर बने और प्रॉफिट अर्न कर सके कंसिस्टेंटली। सो गाइज, अब हम चालू करते हैं अपने वीडियो के साथ, जिसमें हम स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, इधर हम आ गए एनएससी के वेबसाइट पे। आपको सबसे पहले एनएससी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको लाइव मार्केट सिलेक्ट करना है। लाइव मार्केट पे जाके आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स पे जाना है। ओके, आफ्टर इक्विटी डेरिवेटिव्स ओपन होता है, आप देख सकते हैं इधर ऑप्शन का चार्ट आता है मेरे सामने। ओके, इक्विटी डेरिवेटिव्स ओपन हो गया, इधर से आपको निफ्टी मिलेगा, ऑप्शन का चार्ट आएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कॉल्स है और राइट साइड में पुट्स है। ओके, कॉल्स और पुट्स आपको देखना है, और आपको ये भी देखना है कि निफ्टी की प्राइस क्या है। करेंटली 263 है। ओके, बट मैंने जब चार्ट वीडियो स्टार्ट किया तब 300 था, 10,300। तो मैं आपको 10,300 का एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जो भी निफ्टी की प्राइस रहेगी उस प्राइस पे आपको स्ट्राइक प्राइस पे जाने का है। जैसे कि मैंने 10,300 निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस पकड़ा है, ये रहा 10,300। ओके, कॉल्स और पुट्स में आपको क्या देखना है? कॉल्स में आपको वॉल्यूम देखना है और पुट्स में भी आपको वॉल्यूम देखना है। 10,300 का वॉल्यूम हम देखेंगे तो कॉल्स में हम देखते हैं तो 75,000 वॉल्यूम है 10,300 स्ट्राइक प्राइस का। मतलब 75,000 वॉल्यूम, मतलब 75,000 सी। ओके, और हम जब जाते हैं 10,300 पुट के तरफ तो इधर का वॉल्यूम है 1,11,000। तो ऑब्वियसली जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसी बाजू में ट्रेड करने वाला हूँ। तो हम देख सकते हैं अगर पुट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैं पुट पे ट्रेड करूँगा, मैं पुट बाई करूँगा। ओके, और शॉर्ट सेल करना हो तो आप कॉल को शॉर्ट सेल कर सकते हैं अगर पुट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो, और अगर कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप पुट को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट सेल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। पुट्स में आप जाओगे, आप पुट्स को बाई करिए अगर आपको शॉर्ट सेल करना हो तो। ओके, तो आप देख सकते हैं 10,300 का मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, वो भी पुट का, क्योंकि इधर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अब हम ओपन करेंगे 10,300 PE। तो गाइज, अब मैं आ गया हूँ 10,300 PE का। अक्टूबर सीरीज है, ये निफ्टी ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ओके, आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट सिलेक्ट करना है। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आपको डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं मैंने हैकन ऐसी सिलेक्ट किया है। ओके, आपको ये चार्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है ताकि आप सारे डिस्टरबेंस से दूर रहे। ओके, ये
ट्रेंड ट्रेंड अच्छे से बताता है, इसलिए आपको हैकानेशिस सेलेक्ट करना है। ओके उसके बाद आपको स्टडीज़ में जाना है। स्टडीज़ में मैंने इंडिकेटर्स लिए लाइक RSI, आप देख सकते हैं पीरियड 14 रखा है, ओवरबॉट 80, ओवरसोल्ड 20। ओके आपको ये सब फॉलो करना है। आप नोट डाउन कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं द MACD की वैल्यूज़ भी मैंने सेम रखी है एज यूजुअल, यूनिवर्सल वैल्यूज़ है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ मूविंग एवरेज। ओके मूविंग एवरेज में आपको चेंजेस करने हैं, आपको पीरियड 13 रखना है, फील्ड आपको क्लोज रखना है और टाइप आपको एक्सपोनेंशियल। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप प्लीज़ ये सेटअप को नोट डाउन कीजिए, आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इसे अप्लाई कीजिए और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कीजिए। स्टॉक मनी मेकर्स की टीम का मेन पर्पस यही है कि लोग खुद से अर्न करें, खुद पहले लर्न करें और बाद में खुद से अर्न करें, उन्हें किसी टिप्स की ज़रूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं टाइप एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, कलर पिंक कलर। ओके पिंक कलर जो है वो 13 डे EM है। ओके और हम जाते हैं अब दूसरा इंडिकेटर मूविंग एवरेज 3। ओके 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पीरियड 3 होना चाहिए, फील्ड क्लोज होनी चाहिए, टाइप एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए। ओके आफ्टर दिस ये सारे इंडिकेटर्स हो गए, उसके बाद आपको चार्ट पे आप देख सकते हो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है और हैकन ऐसी चार्ट है। ओके MACD के बारे में तो मैंने पहले वीडियो में बताया ही है, आपको MACD को ऑब्जर्व करना है और साथ में RSI। ओके MACD और RSI के साथ आपको ये इंडिकेटर्स ऑब्जर्व करने हैं। जब 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता है 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तब आपको उस पर बाय पोजिशन क्रिएट करना है, साथ में MACD और RSI अप ट्रेंड में होना चाहिए। लाइक आप देख सकते हो MACD इधर अप ट्रेंड में, लेकिन लेट मी शो यू, इधर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि RSI अब जा रहा है कि नहीं जा रहा। इधर देख सकते हैं मैंने RSI 50 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इससे आपको पता चलेगा कि RSI अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर RSI भी अप ट्रेंड पे जा रहा है और MACD ने भी इधर MACD लाइन ने MACD सिग्नल लाइन को ओवरटेक कर दिया, क्रॉस कर दिया है। और इधर 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। मतलब मैं यहाँ पे ये कैंडल पे मैं बाय पोजिशन क्रिएट करूंगा अपनी, ये कैंडल पे, इसलिए क्योंकि ये कैंडल पे 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने पहले क्रॉस कर दिया है और MACD ने बाद में क्रॉस किया, इसलिए मैं इस कैंडल पे अपना बाय पोजीशन क्रिएट करूंगा। और आप देख सकते हैं अगर मैं ये कैंडल पे बाय पोजीशन अपना लेता हूँ तो ये कैंडल का जो लो था वो 121 था। ओके और क्लोज था वो 146 था, और आप उसी कैंडल का हाई देखे तो हाई 161 था। ओके और आप नेक्स्ट कैंडल पे जाते हो तो उसका हाई था 179 और नेक्स्ट कैंडल का हाई था 198। ओके तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये तो मैं प्रीवियस डे की बात कर रहा था, अब हम आते हैं आज का जो ट्रेड हुआ आप वो देखिए। आप इधर देख सकते हैं कि जब 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और RSI और MACD दोनों डाउनवर्ड्स जा रहे, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन सजेस्ट कर रहे, तो अगर हम इधर देख सकते हैं अगर ये टाइम पे अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अक्टूबर, ओके 10,300 का CE हम खोलेंगे और उस पर बाई पोजिशन क्रिएट करेंगे। अगर इस पर हम देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है तो हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे उसको, हम अक्टूबर सीरीज के जाएंगे, सी को बाय कर लेंगे। आप देख सकते हैं अगर इधर मैंने बाय किया होता तो इधर का लो था 167 और इधर का हाई था अराउंड 248। ओके हमारे इंडिकेटर्स RSI और MACD ने तो इधर सजेस्ट कर दिया था, बट हमारा जो 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने ओवरटेक किया 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इधर, और इधर का लो था 196 और हाई हुआ अराउंड 249। तो इधर आपको 60 पॉइंट्स, 50 to 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू आप अपना टारगेट 20 to 30 पॉइंट्स रखे जो इजीली अचीव हो जाए। ओके और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको ये इंडिकेटर के बेस पे स्टॉप लॉस रखना है। लाइक
जब ये इंडिकेटर रिवर्स होता है तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप ये इंडिकेटर्स को फॉलो कीजिए, ये इंडिकेटर्स आपका टारगेट, टारगेट आपको खुद सेलेक्ट करना है, बट स्टॉप लॉस आपको ये इंडिकेटर्स बताएंगे। जब ये इंडिकेटर रिवर्स होता है, जब 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता है 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका जो टारगेट है वो आप 20 to 30 points रखे तो अच्छा रहेगा, वॉलेटाइल मार्केट में वो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। और आप अगर आप ट्रेंड के बारे में प्योर श्योर है कि ट्रेंड अब जा रहा है तो आप, और अगर आप रिस्की प्लेयर है तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड भी कर सकते हैं, लाइक 50 to 100 points के टारगेट के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप 2 लॉट बाय करते हो निफ्टी ऑप्शन का, तो 1 लॉट को आप 20 to 30 points पे सेल कर दीजिए, ताकि सेकेंड लॉट का आप रिस्क लेके उसे 50 points तक आप रख सकते हैं। ये था हमारा स्ट्रेटेजी। और अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं सी पे हूँ, और सी पे आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो कि 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मतलब मैं ये टाइम पे शॉर्ट सेल नहीं करूँगा, मुझे बाई करना का रहेगा और मैं जाऊँगा पी को बाई करूँगा। आप इधर देख सकते हैं, इधर पी पे 3 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, विथ RSI मूविंग टूवर्ड्स द अपर डायरेक्शन एंड MACD सिग्नल लाइन इज बिलो द MACD लाइन, सो आई विल बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये पॉइंट ऑफ टाइम पे बाय करूंगा, तो इधर आप देख सकते हो कि लो था 149 और क्लोज था 162। आफ्टर सम टाइम, लाइक ये था 110 को सिग्नल ने बता दिया था कि हमें बाय करना है, और हम देख सकते हैं इधर अभी भी मार्केट ऑन है, मार्केट लाइव है। हम देख सकते हैं 1 hour 15 minutes के बाद जो हाई उसने कैंडल ने शो किया है वो 231 है। सो फ्रॉम 149 to 231, लाइक अभी ये 100 points का डिफरेंस हम देख सकते हैं इधर। जब आप ऐसे 100 points के लिए आपको क्या करना है, जब आप 2 lots बाय करें, आप 1 lot को 20-30 points पे सेल कर दीजिए, और उसके बाद जो 1 lot रहेगा उसके लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं अपने पास, ताकि आपको 50 points या 100 points का प्रॉफिट और मिल सके। गाइस, सो आप ये स्ट्रेटेजी को इस तरह से अप्लाई कीजिए, स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया है, टारगेट भी मैंने बता दिया है, और ये लाइव मार्केट पे मैंने आपको शो किया कि आपको लाइव कैसे अप्लाई करना है ये स्ट्रेटेजी को। ये लाइव चल रहा है मार्केट, और मैंने आपको लाइव बताया, आप देख सकते हैं इधर प्राइस मूवमेंट, आप देख सकते हैं अप डाउन हो रहा है, ये मार्केट लाइव है। आप इसे स्ट्रेटेजी को निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए, उस पे अगर आप बिगिनर हो तो 1 week का आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए मैक्स टू मैक्स, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको, अगर आपके पास 1 या 2 year का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो आप ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं तुरंत, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप जब भी ये स्ट्रेटेजी के साथ जाए, अगर आप 2 lot बाई करते हैं तो आप 20-30 points पे 1 lot सेल कीजिए, और 1 lot को आप रिस्क के लिए रखें, और अगर आप 1 lot के साथ जाते तो आप अपना टारगेट 20 to 30 points ही रखें। और स्टॉप लॉस आपका इंडिकेटर EMA इंडिकेटर ही बता देगा। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहे। मैं जो भी नया नया वीडियो स्ट्रेटेजी और ट्रिक का जो अपलोड करता हूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और आप उस वीडियो को देखें और आप उससे कुछ सीखें। आप तभी अर्न कर सकते जब आपको नॉलेज होगी स्ट्रेटेजीज और इंडिकेटर्स के बारे में, वरना आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और आप मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैंने नए नए स्ट्रेटजीज और न्यूज़ और स्टॉक मार्केट की बुक्स और नॉलेज और टिप्स, पोजिशनल और इंट्राडे टिप्स आई शेयर ऑन माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड फेसबुक ग्रुप। सो प्लीज़ ज्वाइन ऑल दी ग्रुप्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन मेल मी, माई ईमेल आई डी इज ऑल्सो गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइज प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, फॉर इंट्राडे एंड पोजिशनल फ्री टिप्स, आई प्रोवाइड फ्री टिप्स आउट देयर, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।